आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डेटा कंपाइलेशन। हमने पिछले क्लासेस में लूप और कंडीशंस को पढ़ा था, तो आज हम लूप को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से सीट के कई सारे सीट का डेटा एक सीट के अंदर हम मर्ज करेंगे। एक सिंपल सा डेटा तैयार करते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आएगा, इसलिए हम छोटा सा डेटा तैयार कर रहे हैं। और इस डेटा पे आपको हम काम भी देंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आफ्टर दी क्लास आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा। इसी में आपको कुछ पार्ट एडिट करने का प्रोजेक्ट मिलेगा, ताकि आप इसमें कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो मेरे पास पांच सीट मैंने है, और पांच सीटों पे डेटा हमने रखा हुआ है, और मैं इसको एक पहलू पेश कर देता हूं ताकि सारे का फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाए। रिमूव हो गया। अब छठे सीट जो कि हमारा डेटा सीट है, मुझे इन डेटा को कॉपी पेस्ट करना है। अगर मुझे मैनुअल करना हो, मैं वीवी इस्तेमाल ना करूं, तो क्या करना पड़ेगा कि पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, डेटा शीट पे जाना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, फिर अनदर शीट, डेटा को सिलेक्ट, कॉपी, एंड फिर इस सबसे नीचे आऊंगा जो कि ब्लैंक है, और उस पर पेस्ट करूंगा। और यही प्रोसीजर हम हर शीट के लिए अपनाएंगे। अब यहाँ पे चलिए पांच सीट है, तो चलिए हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा, हम कर लेंगे। लेकिन जहां पे आपके नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगे, जैसे 100 150 200 500 सीट्स होंगे, तो वहां पे आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और एरर के भी चांसेस होंगे। हो सकता है कि कोई एक सीट छूट जाए या कोई एक सीट डबल टाइम कॉपी पेस्ट हो जाए, तो उन सब से बचने के लिए हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा काम 100% एक्यूरेसी के साथ फास्ट हो। तो यहां हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और हम डिक्लेयर करते हैं माइक्रो। सॉरी, तो हमारे कितने हमें लूप लगाना है, हम यहां पे देते हैं कि 4i = चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट। अब यहां पे शीट डॉट काउंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी पांच सीट है, आगे ज्यादा भी हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया शीट डॉट काउंट -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले शीट पे हमें डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना, लास्ट वाला शीट हमारा फिक्स है, इस पे डेटा पेस्ट होना है, कॉपी नहीं करना। इसलिए हमने बोला कि जितने नंबर ऑफ शीट है उससे एक कम लूप को चलाए। नेक्स्ट आई, उसके बाद हम यहाँ पे शीट्स और यहां आई मतलब कि 1 डॉट रेंज A1 डॉट करेंट, एक बार मैं स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस है तो मैं यहां लिखता हूं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, और इसके आगे फिर हम शीट्स का नाम दे देते हैं कि शीट्स आई डॉट, तो डाटा कॉपी करेगा। लेकिन क्या चलेगा मैक्रो? हाँ, मैक्रो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहां डेटा शीट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट, हम डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, क्योंकि पेस्ट जो है सीट का पार्ट है, इसलिए हमने पेस्ट स्पेशल कर दिया।
बस मुझे इसमें दो लाइन ही लिखनी है। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका हमने यहाँ पे अपनाया हुआ है। अब इसको एक बार रन करते हैं। अच्छा, सीड्स का स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ, देखिए हर शीट का डेटा यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। एवरी शीट का डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको तरीके बहुत है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे अभी देख रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि शीट्स आई डॉट सेलेक्ट, उसमें जाए फिर रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी, उसके बाद शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट, और यहां पे हम देंगे रेंज A65000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट 1, 1,0 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव सीड डॉट पेस्ट, ये भी कर सकते थे। तो ये प्रोसीजर जो है ये लंबी प्रोसीजर होगी, वो मैनुअल हो गया। सीट पे जाएगा, सिलेक्ट करेगा, फिर कॉपी करेगा, फिर डेटा शीट पे आएगा, फिर जहां पे पेस्ट करना वहां जाएगा और फिर पेस्ट करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल बोला कि भाई सीट आई में जाके डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, तो इस सीधे बिना सिलेक्ट किए हुए डेटा में बिना सीट पे गए वो डेटा को कॉपी कर लेगा, बिना सिलेक्ट किए बिना शीट पे गए डेटा को कॉपी कर लेगा। और सेम ऐसे ही बिना डेटा शीट पे आए और सॉरी कॉमन जीरो, बिना डेटा शीट पे आए डायरेक्ट वो पेस्ट स्पेशल कर देगा, क्योंकि पेस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ रेंज होता है और इसको अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्ट की बात करोगे तो किसी सीट पे जाना है, सिलेक्ट करना है, वहां पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ आप इसमें एक बाउंडेशन आ रहा है कि दो प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम की हेडिंग कॉपी हो रहा है, मुझे हेडिंग कॉपी नहीं करना है, मैं हेडिंग को यहाँ रख दिया, मुझे डेटा में हेडिंग नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं जैसे हमने इसको कॉपी करके सिलेक्ट कॉपी यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड पेस्ट करते हैं, तो जो हमारा पहला सेल होता है वही एक्टिवेट होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं शीट्स डेटा डॉट एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। हाँ सही है, तो ये पूरा करे जैसे पेस्ट करेगा और सेल्स को डिलीट करता चला जाएगा। आप चाहो तो एक बार इसको आजमा के आप इसे मिनट, आप चाहो तो इसको एक बार अजमा के देख सकते हो। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आया कि उस सेल्स को, क्योंकि ये एक्टिव सेल डायरेक्ट इसके जरिए नहीं हो सकता है, तो हमें यहां पे करना पड़ेगा ये सब चीज रहेगा। एक सीट्स का नाम जो है यहाँ पे, सीट्स का नाम यहाँ हटा देना पड़ेगा, देन परफॉर्म करेगा। लेकिन इसके लिए बाउंडेशन क्या होगा कि आपकी डेटा सीट एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर डेटा सीट नहीं एक्टिवेट है तो फिर ये दिक्कत देगा, आपकी किसी भी सीट का डेटा डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइक्रो स्टार्ट करने से पहले कि सीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट या सेलेक्ट, तब ये वर्क परफॉर्म करेगा। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्टिव सेल आपने दिया हुआ है तो डेटा आपका होना चाहिए। तो आपका देखिए हेडिंग पेस्ट नहीं किया। अब दूसरी बाउंडेशन इसमें क्या हो रही है,
दूसरी बाउंडेशन इसमें ये हो रही है कि हमें ये बाउंड्री करना पड़ रहा है कि हमारा जो डेटा शीट है वो सबसे लास्ट होना चाहिए। अगर डेटा शीट बीच में आ गई तो फिर ये परफॉर्म नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इससे इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, अब मैं इसको -1 को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ कंडीशन दूंगा इफ का, कि इफ कि सीट्स सीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा 10, और फिर इस सबको यहाँ हम एंड इफ में कर देते हैं। हमने बोला भाई डेटा कॉपी पेस्ट करने का काम तभी करना है जब सीट का नाम, जहां से डेटा हम कॉपी कर रहे हैं उस सीट का नाम नॉट इक्वल टू डेटा होना चाहिए। अगर डेटा हुआ तो कॉपी को स्किप कर दो, तो ये अब आपका 100% परफॉर्म कर रहा है। तो कोई डाउट है आप लोगों को, आशुतोष जी, अखिलेश जी, मुकेश जी एंड राजू जी? हेलो। नहीं सर, ये प्रोग्रामिंग समझ में आ गई आपको? इसी मेथड से आप कई सारे सीट का डेटा को यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरह का डेटा हो ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमने करेंट रीजन कंट्रोल ए पे लिया हुआ है। अब आप सिलेक्शन मेथड वाली जो नॉलेज मैंने आपको दिया था उस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो, राइट सर? कि अगर आपका डेटा एज पे डेटा कैसा है, किस तरह का डेटा है, उस हिसाब से करवा सकते हो। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, मतलब कि पेस्ट करने के बाद कॉलम डिलीट किया है। अब सिलेक्शन मेथड वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी थी, इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आप जो है कॉपी नेम को कॉपी ही नहीं करवाओ, समझ गए? लेकिन जब आप फिल्टर वगैरह लगा के डेटा कॉपी करेंगे तो वहां पे दिक्कत होगा। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फिर इसका आप कॉपी पेस्ट करने का जो चीजें है वो चीज को अप्लाई कीजिएगा। और तरीके बहुत सारे होते हैं, बट हमें देखना होता है कि हमारा लाइन ऑफ कोड कितना होना है। अभी देखिए कि यही चीज को देखिए कि हमारे पास जो ए है लाइन और ए जो लाइन है, मतलब कि जो काम हमने दो लाइन में कर दिया था, यहाँ दो लाइन में कर दिया था हमने, उस काम को करने के लिए हमें कितने सारे लाइन का कोड लिखना पड़ा। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग करते समय आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा काम कम से कम लाइन ऑफ कोड में हो जाए, क्योंकि जितना लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ेगा उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी, और जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी उतना ही माइक्रो टाइम लगाएगा परफॉर्म करने में, और फाइल की साइज बढ़ेगी और उतना ही हैंग, एक्यूरेसी, करप्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात रही कि अगर मेरा अभी अभी तो मेरे पास सीट्स में डेटा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फोल्डर में मान लीजिए कि आपको 10 10 क्या 50 जगहों से मेल आया फाइल का, जैसे कि आपने एक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस या अटेंडेंस ही मान लीजिए कि आपके 20 अलग अलग डिपार्टमेंट से, अब 20 अलग अलग डिपार्टमेंट का अटेंडेंस आपने मंगाया, आप पेरोल पे काम कर रहे हैं तो अटेंडेंस एक ही सीट पे सबको कॉपी पेस्ट करके फिर उसका क्या बोलते हैं सैलरी की तरफ आप उसका बढ़ेंगे, तो उनका सब डेटा को कॉपी पेस्ट करना एक के नीचे एक के नीचे, ये भी दिक्कत हो सकती, इसके लिए भी हम पढ़ते बात करेंगे, लेकिन वो तो आगे की चीज है क्योंकि फाइल हम पहले फोल्डर पे तो समझ ले, तो फोल्डर को बाद में करेंगे, पहले हम एक विथ इन फाइल को समझ ले। तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब पहले तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आप सीक्वेंस देख रहे हैं, यहाँ पे बाउंडेशन क्या आ रहा है, देखिए पहले आप शुरुआत करेंगे बेसिक कंसेप्ट से फिर बाउंडेशन को चेंज करेंगे। जैसे मैंने पहला बाउंडेशन था भाई नेम कॉलम को डिलीट करना, हमने उसको सॉल्व किया, फिर अगेन बाउंडेशन आया कि सीट कहीं भी हो सकती है, इसकी बाउंडेशन को हमने चेंज किया। अब अगली प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपका सीक्वेंस, क्योंकि अभी ये बाउंडेशन ए है कि आपका सेम फॉर्मेट सेम सीक्वेंस में होना चाहिए डेटा, अगर सीक्वेंस चेंज हुआ कि जनवरी के जगह पे यहाँ पे मार्च आया तो दिक्कत होने की, तो आपका माइक्रो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो इस पे भी आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस माइक्रो, ये फाइल जो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इस माइक्रो में करना क्या है,
दो चीजें करनी है। पहली चीज ये मुझे यहाँ पे एक टोटल ऐड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे सीट के नेम ऐड करने हैं। तो टोटल के लिए तो आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देना है और ड्रैग कर देना है। यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे रेंज जी 65,000 डॉट एंड एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1, क्या हो रहा है 0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सम और इसमें आप दे देंगे बी 2 से, जब मुझे बी 2 पता ही है तो इतना झमेला क्या करूं, मैं डायरेक्ट रेंज बी 2 ना कर दूं, यहाँ पे जी 2 ना कर दूं, हाँ जी 2 जी 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल सम सम ब्रैकेट ओपन बी 2 से एफ 2 और इन्वर्टर को मैं क्लोज करता हूँ, नहीं इसमें 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 इन्वर्टर को मैं देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, बट इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे तक भी पेस्ट करना है। तो हम यहाँ करेंगे रेंज जी 2 डॉट कॉपी और फिर रेंज ए 65,000 डॉट एंड एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, अब यहां पे मतलब कि वो नीचे आ जाएगा तो यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 कॉलन आएगा, 0 रो एंड 6 कॉलन डॉट सेलेक्ट और फिर हो जाएगा हमारा रेंज रेंज यहां पे सिलेक्शन एक्टिव सेल एक्टिव एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 0, 1, 0, 1, 1, 0 डॉट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए फॉर्मूला करना चाहो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ पे टोटल भी ऐड कर देगा। देखिए एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, कहीं एरर तो नहीं होगा, नहीं एरर। तो इसने टोटल का फॉर्मूला आपके सामने सब में लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि जिस सीट से कॉपी करेगा उस सीट का नाम यहां पे देना है, जैसे कि सीट 1। तो आप अपने माइक्रो स्किल्स जो भी तक मैंने सिखाया है उस स्किल्स को यूज करते हुए जहां तक सीट 1 का डेटा है वहां तक रखे, फिर सीट 2 का डेटा, फिर सीट 3, जो भी सीट के नेम है, नॉट सीट 1, इसमें हो सकता है कि मंथ नेम हो सकता है पर्सन नेम हो, तो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ये चीजें आपको करनी है, समझ गया सर? हेलो, ये फाइल में, फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं। तो इसको ट्राई कीजिए और मुझे भेजिए, फिर इससे आगे के जो चीजें हैं उन चीजों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर हम बोलिए,
सर वहाँ पे जो आपने A65000 का जो आपने कोड लिया वो क्यों लिया है? देखिए वो इसलिए लिया है कि जैसे कि हमें लास्ट सेल पे जाना है, लास्ट ब्लैंक सेल पे, राइट ना? तो अभी क्या है कि हम जो है ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, हम कोड ए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर सेल नंबर 5 पे पहुंचना है तो मैं कोड ए भी लिख सकता हूं कि रेंज A1 डॉट एंड और यहाँ पे एक्सल डाउन, ये भी लिख सकता हूँ डॉट ऑफसेट लगा के हम हाँ ऑफसेट 0.1.0 कर दूंगा, ये भी हम कर सकते हैं डॉट सिलेक्ट। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, अब प्रॉब्लम को देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ अभी तो चलाएगा लेकिन कल के रेट में मान लीजिए कि है और बीच में ब्लैंक आ गया तो वो यहीं पे रुक जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ पेज एरो डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं, समझ गए? तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं कि हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हम एक ब्लैंक रो अब A65000 पे चले जाते हैं और वहां से कंट्रोल और अप एरो का प्रेस करते हैं, तो कर्सर मेरा लास्ट सेल पे आएगा, लास्ट फिल सेल पे। अब इससे ऊपर कहीं ब्लैंक है उससे कोई मतलब उसको नहीं है, वो लास्ट फिल पे नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 65,000 इसलिए लिया क्योंकि मेरे सीट में आप 10 लाख है तो 10 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या ओके आती है कि आप अगर फाइल .xls में रन कर रहे हैं तो वर्क कर जाएगा, लेकिन .xls में करेंगे मतलब कि 2003-2007 वाली फाइल पे तो वहां पे तो वर्क नहीं करेगा ना, जो .xls वाली फॉर्मेट है, क्योंकि वहां पे तो 65,000 होते हैं। हाँ तो मैं 65,000 इसलिए लेता हूं ताकि मेरा एक कोड 2007, 10, 13, 16, 15 पे भी चले और 2003 पे भी चले, समझ ओके गए ना? अब मान हाँ लोगे, अब लोगे सब 2003 कौन यूज करता है, भाई कोई यूज नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटा डाउनलोड करते हैं डॉट एक्सलेस में, एक्सलेस एक्स में नहीं करते हैं। तो वो लोग फाइल जो बना के देंगे तो उसका एक्सटेंशन आप ये यूज कर रहे हैं मान लो 2016, बट जो फाइल है वो फाइल अगर 2003 की है तो उसके अंदर 2007 ही डेटा होगा, 65,000 रो ही होगा ना। हाँ तो वहां पे हमारा मैक्रो रुके ना, इसलिए हम A65,000 से ऊपर जाते हैं, ओके ठीक ठीक है? है सर चलिए ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे वापस भेजिए। छोटी मोटी डाउट के लिए मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, बड़ी डाउट होगा तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। राजू कुमार, अखिलेश, इसमें कौन सा अखिलेश जी आपका, कौन सा अखिलेश गुप्ता और आशुतोष मिश्रा? चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, कल की क्लास में इसी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय सर।